क्या कर सकती हूँ मैं अकेले, कितना चिल्लाऊंगी, आप लोग वैसी फिल्में ही मत देखिए, वैसे भी ऑडियंस कम हो जाएगी पूरी तरह, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी अगर ये लोग ऐसी फिल्में बना रहे तो। मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी, सिर्फ मिर्चा मसाला तड़का हीरोइन को नचा दिए मत करिए, रियल बेस पे फिल्में बनाइए, अच्छा बनाइए, नए नए प्रोड्यूसर आते हैं उनको अच्छा अच्छा मौका दीजिए, फिल्में इतनी अच्छी बनाइए कि आउट ऑफ इंडिया से जो NRIs है वो जुड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्री में। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है, आप बड़े बड़े NRIs को लेकर के आइए जो बिजनेस करते, जो बड़े एंटरप्रेनर हैं, जो भोजपुरी में इंटरेस्ट ले, जैसे बाकी साउथ और रीजनल जो फिल्में होती हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर आने चाहिए भोजपुरी में। तो जब आप कैटेगरी अच्छा करेंगे तभी होगा ना, तो लोग ऐसा इस पे पहले लोग विचार करें। जब अच्छा करेंगे सब कुछ होगा। देखिए भोजपुरी गानों को लेकर के डबल मीनिंग पे मेरी यही राय है, जितने भी छोटे छोटे एक्टर हैं, छोटे छोटे सिंगर हैं, जो कुछ भी गा देते हैं, सबसे पहले तो उस पर बैन होना चाहिए। और कोई भी चैनल रिलीज कैसे करता है ऐसे गानों को, डबल मीनिंग को, आप एज एन एक्टर आप खुद से सोचिए कि आप अगर कुछ गा रहे हैं वो पब्लिक के बीच में जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। आप ऐसा गाना गाइए कि आपकी जो पब्लिक है, या ऐसी फिल्में बनाइए जो आपकी पब्लिक है उसका स्तर बढ़े। जब तक पब्लिक का स्तर नहीं बढ़ेगा फिल्में और गाने कैसे चलेंगे। कुछ अच्छे गाने हैं जो चल रहे हैं, जो डबल मीनिंग गाने हैं उस पर सरकार को बैन लगाना चाहिए, वो चलते भी नहीं हैं और लोग का नाम भी नहीं होता, फिर भी लोग ऐसे गाने क्यों गाते मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप ये सोच रहे कि आप इससे आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, आप भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, आप भोजपुरी को नीचे लेकर के जा रहे हैं। जिसकी भाषा मातृभाषा भोजपुरी है, कोई अपने मातृभाषा को बदनाम करेगा तो वो एक्टर नहीं है, वो सिंगर नहीं है, वो कैसे सिंगर हो गया जो अपनी भाषा को बदनाम कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि ऐसे कलाकारों पे रोक लगनी चाहिए, ऐसे सिंगर लोगों पे रोक लगनी चाहिए जो अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अश्लीलता भरे गानों का प्रयोग करते हैं गाने के लिए। मैं अपने स्तर पे क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे नए राइटर हैं उनको मौका मिलना चाहिए, या जो पुराने हैं जो अच्छा फिल्म लिखते हैं, अच्छे राइटर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और हमारा जो मेंटालिटी ये है कि हम वो हीरो हीरोइन वाला विलन वाला फिल्म बनाएंगे वो चल जाएगा, उससे बाहर निकलना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो 20 साल 30 साल वाली सोच है उसको बाहर निकलने के लिए मैं चाहूँगी। और मुझे बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि यस भोजपुरी को आप आगे बढ़ाइए, तो मुझे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और मैं चाहूँगी कि हमारी भोजपुरी 20-30 वाली मेंटालिटी से बाहर निकले और अच्छी फिल्में आए और मैं इस स्तर पे और भी अच्छा करूँ, ताकि हम यहाँ पे यू नो दुबई में और सिंगापुर में हर जगह अपनी फिल्म जो है हमारी जो भोजपुरी उसको प्रमोट करें और लोग देखें तो कोई ये नहीं बोले कि ये क्या फिल्म बनाई है। तो पहले स्तर अच्छा करने के लिए जो सिनेमेटोग्राफर है वो होने उन लोगों का बहुत अच्छा वो होना चाहिए, राइटर अच्छे होने चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो उस पर काम कर रहे हैं और मैं ज़रूर सबके साथ मिल के करती हूँ। इस स्तर पे अच्छा काम करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे ताकि भोजपुरी को वो लेवल मिले जो सारी रीजनल लैंग्वेजेस को मिलते हैं। मुझे बॉलीवुड से कोई ऑफर आता है तो मैं ज़रूर जाऊंगी और आप सबकी दुआ रही, आप सबकी गुड विशेस रही और मैंने अच्छा काम किया तो शायद ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेहनत इंसान का बोलता है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी तरक्की करेंगे। नेक्स्ट मूवी मेरी आने वाली है जुग जुग जिया ललनवा और मैंने कहा हाँ विजेता और नकली नवाब, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगी।